गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाव नव भारत। आज यूपी की सियासत के लिए बड़ा दिन है। यूपी विधानसभा चुनाव के आज पांचवें चरण की शुरुआत हो चुकी है। आज 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग का काम होगा। आज के चरण में कुल 693 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिन 12 जिलों में आज चुनाव है उनमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले में वोटिंग होनी है। पांचवें चरण की 61 सीटों में 13 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं, जिनमें 90 महिला प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 1 करोड़ पुरुष मतदाता, 1.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं और कुल वोटर्स की संख्या की बात करें तो 2.25 करोड़ वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज पांचवें फेज की यूपी में वोटिंग है। 12 जिले, 61 सीट, 693 कैंडिडेट। 7 बजे यानी अब वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। अवध और पूर्वांचल की तमाम वीवीआईपी सीट्स पर आज वोटिंग होनी है। केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं। आज पांचवें फेज की वोटिंग से पहले सिराथू सीट से ये मैदान में है। प्रयागराज की सिराथू सीट से देखिए, घर से निकलने से पहले, वोटिंग से पहले वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और वीआईपी दिग्गज आज मैदान में, उनके नाम की अगर बात की जाए, सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इलाहाबाद वेस्ट से मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। नंद गोपाल नंदी ये भी वरिष्ठ नेता हैं, इलाहाबाद साउथ से हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रताप सिंह गोंडा की सीट की बात करें, चंद्रिका सिंह वीआईपी सीट चित्रकूट से मैदान पर, संजय सिंह अमेठी से किस्मत आजमा रहे हैं। गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है अमेठी। इसके अलावा राजा भैया एक वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें होंगी, ये प्रतापगढ़ से मैदान में हैं। इसके अलावा अयोध्या की बात करें, वो सीट जहां पर बीजेपी को सबसे मजबूत समझा जाता है, अयोध्या सीट की बात करें तो वेद प्रकाश गुप्ता वहां से मैदान में है। और आज पांचवें चरण की वोटिंग के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में खड़े हैं, वहां से तस्वीरें दिखाएंगे, वहां से अपडेट देंगे। साथ ही साथ हर एक सीट का सटीक विश्लेषण भी आज पूरे दिन आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पाएंगे। और सबसे पहले मैं रुक करता हूं रंजीता मेरी सहयोगी अमेठी से, लाइव है, गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है और अमेठी में संजय सिंह बीजेपी की कैंडिडेट हैं। रंजीता, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हो, क्या वहां वोटिंग का काम शुरू हो चुका है, तस्वीरें किस तरह की हैं और किस तरह का सियासी समीकरण वहां पर है, हमारे दर्शकों को समझाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह जो है वो अभी मंदिर पहुंचे हैं, जो शिवलिंग है उस पर जल अर्पित किया है और सबसे पहले यहाँ पूजा अर्चना कर वो अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे जहाँ वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निश्चित तौर पर संजय सिंह के लिए एक हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल, 33 साल बाद विधानसभा में दाव आजमा रहे हैं और कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से, क्योंकि जब राज्यसभा के सांसद थे कांग्रेस की उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले अगर हम अमेठी सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ही उम्मीदवार जो थी गरिमा सिंह वो यहाँ विधायक रही और इस बार संजय सिंह पर बीजेपी ने दांव लगाया है और निश्चित तौर पर उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी। सर प्रसाद के लिए धन्यवाद, आप बताएं कि कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए आज का ये चुनाव? ऐसे चुनौती होती है लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। क्या उम्मीद लग रही है? जनता हमारे साथ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 33 साल बाद एक बार, क्योंकि दिल्ली की राजनीति आप करते रहे हैं, आप एक बार फिर अमेठी की राजनीति करने जा रहे हैं। जीवन रोलर कोस्टर है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, पार्टी का जैसा फैसला हो वैसा हम लोग पालन करते हैं। लेकिन सपा जिस तरह से लगातार कह रही है कि वो बढ़त बनाए हुए, आपको लगता है कि सपा जो बातें कह रही है उसमें कुछ दम है? अब मैंने आपसे कहा कि जनता हमारे साथ है, वो बोल क्या रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनका अधिकार है बोलने का। गरिमा जी आप बताएं, आपको भी लग रहा है कि, सॉरी अमिता जी आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो चीजें जो सामने है, संजय सिंह जी एक बार फिर अमेठी की राजनीति करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है, सही फैसला उन्होंने लिया है? बहुत अच्छा फैसला है, मुझे लगता है अमेठी की जनता ने बिल्कुल बहुत प्यार से उनको फिर से अपनाया है
बहुत दिन बाद एक बार फिर अमेठी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। लोगों में अटूट विश्वास है कि जो दौर इनका था जब इन्होंने 98% से जीत करके 1,26,000 के अंतर से पहली बार विधायक बने थे, 27 साल की उम्र थी, अब अनुभव के साथ वो वापस लौट रहे हैं, तो जनता की उम्मीदें और बड़ी हैं। बीच में एक ऐसा कार्यकाल भी आया जब यहाँ पर मैं चुनाव हारी थी गायत्री प्रजापति से, और मैं 3 बार विधायक रही हूँ यहाँ, और मैं प्रजापति से हारी थी 2012 में। उसके बाद कहीं ना कहीं अमेठी में एक रुकावट सी आई, कार्य रुका, यहाँ के जो है कार्यशैलियाँ बदली, यहाँ के संस्कार बदले, और इसको शायद अमेठी की जनता ने अंतोगत्वा पसंद नहीं किया है। शायद आपको इस इलेक्शन में उसका परिणाम दिखेगा। मैंने इनके चुनावी जो सभाएं थी उनको भी कवर किया, और संजय जी एक यहाँ के लोगों को एक अपना एक टच देने की कोशिश कर रहे थे, अपनी भाषा में बात कर रहे थे, उनको ये कह रहे थे कि दिल्ली से अनुभव लेकर अब मैं अमेठी आया हूँ, तो वो अनुभव जो है वो काम आएगा उनके, लोग इस बात को समझ रहे हैं? वो कोई टच देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये वही कर रहे थे जो वो हैं, और यही उनकी करीबी लोगों से सदैव रही है, यहीं पैदा हुए, पढ़े लिखे, गिरे उठे और यहीं से बने। ठीक है, तो आज उनका पहला चुनाव जब लड़े थे विधायकी का तब वो 27 साल के थे, फिर दिखाती रही है 65 साल अमेठी सीट से तो विश्लेषण दे रहे रंजीता। लेकिन साथ ही साथ तमाम अलग अलग इलाकों में हमारे और भी सहयोगी हैं, अगर अयोध्या से नैना यादव हमारे साथ होंगी, हर्षा चंदवानी कौशाम्बी से हैं, वरुण भसीन गोंडा की जो वीआईपी सीट है वहां से मैदान में, कुंदन सिंह प्रयागराज से हैं। मैं सबसे पहले वरुण का रुख करता हूं। वरुण, गोंडा एक बहुत वीआईपी सीट है, वहां का समीकरण अलग तरह का है, वहां क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या लोग वोटिंग के लिए घर से निकल रहे हैं, वहां का विश्लेषण थोड़ा समझाइए और बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर गोंडा की बात करें तो अयोध्या से सटा हुए गोंडा में 7 विधानसभा क्षेत्र और सातों की सातों विधानसभा सीट में इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन 2012 में सपा की 6 सीटें थी और एक भारतीय जनता पार्टी की थी, यानी कि 2017 की लहर यहां काम तो करी थी, लेकिन अब वो क्या लहर को दोहरा पाएंगे 2022 में, इस वक्त ये चुनौती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर। मैं गोंडा में मौजूद हूँ, गोंडा में इस वक्त जो रमापति शास्त्री जी हैं उन्होंने अपने अभी मत का प्रयोग किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डबल इंजन की सरकार को लेकर आपको क्या सोचने की जरूरत है, 10 मार्च को सभी तरह के निर्णय हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और इस वक्त जो बड़े नामों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में चौधरी जो शरण सिंह जी हैं, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह जी, यानी कि सांसद हैं यहाँ के, उनके बेटे को यहाँ पर टिकट दिया गया है, यानी कि कुछ वो जो परिवार है मजबूत तो कर रहा है, लेकिन उस परिवार के नाम का इस वक्त पत्ता चले गया, फिर समाजवादी पार्टी। वरुण, हर्षा भी हमारे साथ जुड़ गए, कौशाम्बी सीट से हमारे साथ जुड़े। वरुण, मैं आपके पास लौटूंगा, असल में अलग अलग सीटों का विश्लेषण दिखाना और समझाना है। हर्षा का रुख करते हैं, हर्षा के साथ मुझे लोग दिखाई भी दे रहे हैं, वोटर्स पीछे खड़े हैं। हर्षा, वहां पर किस तरह की तस्वीरें, क्या लोग वोट करने आ रहे हैं, और हर्षा के बाद मैं अयोध्या का रुख करूंगा जहां से गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा, मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य की आवाज पर मौजूद हूं, और देखिए आप पीछे आपको केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे होंगे, सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 के बाद आज 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू, जो उनका गृह जनपद है, वहां से चुनावी मैदान में, और देखिए केशव प्रसाद मौर्य यहां पर है, और अभी थोड़े पहले इन्होंने अपने स्वर्गीय जो पिता है उनके आशीर्वाद लिया, उनकी जो पोर्ट्रेट है उसे फूल अर्पण किया, उसके बाद माँ की पूजा की, और यहाँ पे उसके बाद आप केशव प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, ये केशव प्रसाद मौर्य का आवास है, और देखिए आशीर्वाद लेकर के पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से वो सीधे निकलेंगे प्रयागराज के लिए जहाँ पे उनका मतदान है। और ये तस्वीर आज इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज परीक्षा का दिन है। 2012 के बाद आज 2022 में ये चुनावी मैदान में सिराथू से है, और यहाँ देखिए राहें आसान नहीं होगी क्योंकि 3,65,000 के करीब यहाँ पर वोटर है, और उनमें से अनुसूचित जाति की जो परसेंटेज है लगभग 45% है, पिछड़ा वर्ग 24% है, तो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है देखिए वो 45% अनुसूचित जाति का वोटर है, और उस लिहाज से भी जो टक्कर है वो कांटे की देखी जा रही है इनमें, और जो गठबंधन सपा और अपना दल के जो गठबंधन प्रत्याशी है पल्लवी पटेल के बीच में, तो इसीलिए हर्षा आप अगर मुमकिन हो तो केशव प्रसाद जी से बात करने की कोशिश करेगा। सिराथू से मेरी सहयोगी हर्षा रिपोर्ट दे रही, सिराथू से डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य मैदान पर। मैं रुक करता हूँ गौरव का, अयोध्या में है। गौरव, वहां पर क्या वोटिंग को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर है, वहां क्या लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अयोध्या के रेकाबगंज में, और ये मनोहर लाल इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज, और यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए, कई सारे पोलिंग बूथ हैं, और यहाँ पर अयोध्या के मौजूदा विधायक और भाजपा से प्रत्याशी वेद गुप्ता जो है वो अपना वोट डालेंगे। लेकिन अभी जो बूथ नंबर 43 है वहाँ पर अगर हम दिखाएं तो वोटिंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जो मतदाता है वो बाहर ही खड़े हैं, और अभी 10 मिनट बीतने के बाद भी कुछ संभवतः जो है ईवीएम में खराबी है, दिक्कत है, इसकी वजह से पोलिंग नहीं शुरू की जा सकी है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर मतदाता जो है वो आकर अब सुबह सुबह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं, और उनसे हम बात भी करेंगे। और जाहिर तौर पर अयोध्या एक ऐसी सीट है जो सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, और मैं आपको बता दूं कि आखिरी दो दिनों के चुनाव प्रचार में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोनों ने रोड शो दिखाया किया और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। हम लोगों से बात करते हैं, अपना आप नाम बताएं साहब। सलमान, ये बताइए कि किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं इस बार आप लोग? अब देखिए, हाँ, आप किन मुद्दों वोट डाल रहे हैं अंकल? मुद्दा क्या है आपकी बार चुनाव में? मुद्दा क्या है चुनाव में? चुनाव मुद्दा, हाँ, चुनाव मुद्दा यही है कि महंगाई के ऊपर, महंगाई रुके। और भी लोग उनसे बात करते हैं, क्या नाम आपका? सलीम। सलीम, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? महंगाई। महंगाई ज्यादा परेशान कर रही है, क्या मुद्दा है आपका? महंगाई। महंगाई मुद्दा है यहाँ? और कुछ? अच्छा, ठीक है, और भी महिला, गौरव, मैं आपके पास आता हूँ, गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हर्षा का रुख करते हैं। हर्षा, सिरासू में इस वक्त जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो मौजूद हैं घर के बाहर, मंदिर जो है मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जुड़ के बात करने के लिए। सर, आज बड़ा दिन है, बड़ा मुकाबला है आपका, कैसे देखते हैं? मेरे लिए निश्चित तौर से और मेरी पार्टी के लिए निश्चित तौर से हर दिन महत्वपूर्ण होता है, जब चुनाव लड़ते सभी जब काम करते तभी। तो ये तस्वीरें आप सिरासू से देख रहे हैं, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान पर हैं। 12 जिले 61 सीट, 693 कैंडिडेट और कुल 2,25,00,000 वोटर्स, वोटिंग का काम शुरू हो चुका है, आज 5वें फेज की वोटिंग है। केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद है। सर, आज परीक्षा का दिन है, आज मतदान है, क्या उम्मीद है? राजा परीक्षा देने के लिए तैयार है, जो परीक्षा, कोई विद्यार्थी जो है परीक्षा देने से घबराता है, जो अच्छे काम नहीं करता, अच्छी पढ़ाई नहीं करता, अच्छी तैयारी नहीं करता। हमने अच्छा काम किया, इसलिए हमको परीक्षा देने से काय डर, हम तो एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए। सर, लगभग पूरी कैबिनेट ने आपके लिए प्रचार किया है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, आप रखो जब तक वोट नहीं गिना जा रहा है। सपा की साइकिल यहाँ नामांकन के दिन से ही पंचर हो गई है। सर, लगता है आपको डिंपल यादव, जया बच्चन, इनके प्रचार का भी कोई असर है? मैडम, कोई असर नहीं है इन लोगों का, यहाँ कोई इनको देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कुर्सियाँ खाली थी, अब आ जाओ इधर। तो ये है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो सिराथू से कैंडिडेट है और जिनका साफ तौर से कहना है कि हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है, और जो रिजल्ट है वो बताएगा कि आखिरकार कैसा चुनाव रहा। ठीक है हर्षा, मैं आपका रुख करूंगा। 12 जिले 61 सीट, 693 कैंडिडेट है, 5वें फेज की वोटिंग आज हो रही है यूपी में। मेरी सहयोगी नैना मेरी कलीग अयोध्या से लाइव मेरे साथ जुड़े हैं। नैना, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो किस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है और किस पोलिंग बूथ पर आप हैं? और क्या मुद्दे हैं? अयोध्या बोलते हैं। अच्छा, महंगा, यहाँ अयोध्या के क्या मुद्दे हैं? मैडम, विकास हो और बेरोजगारी घटे, आदमी को रोजगार मिले, और यही सब है मुद्दे। अच्छा, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? जी मैम, पहली बार वोट डाल रहे हैं। युवा होने के नाते सबसे पहला मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या नजर आता है जो एक युवा अपनी सरकार, अपने नेता से चाहता है? मैम, विकास हो, सबका साथ सबका विकास, काम हो, अयोध्या का रोड गलियां सब बननी चाहिए, इसी मुद्दे पे काम होगा। तो अभी तक हुआ है क्या? जी मैम, अभी हुआ है थोड़ा बहुत, अभी काम चल भी रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैम, हम लोग बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वोट डाले मैम। ठीक है, नैना यादव अयोध्या में है, वहां से रिपोर्ट फाइल कर रही है। कुंदन सिंह का रुख करते हैं, प्रयागराज, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से कई बड़े दिग्गज मैदान में। कुंदन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्रयागराज में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या वोटिंग का काम शुरू हो चुका है, और ये भी बताइएगा कि आप किस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त हैं? बिल्कुल, वोटिंग का काम शुरू हो चुका है और प्रयागराज कई मायनों में अलग है, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, और इस देश को 7 प्रधानमंत्री और इस प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री इस प्रदेश ने दिया, और विधानसभा के लिहाज से बात करें
तो 12 सीटें इस पूरे में है, आप प्रदेश के किसी जिले में सबसे ज्यादा। और मेरे सामने ठाकुर दीन हाता का ये स्कूल है जहां पे सुबह से वोटिंग स्टार्ट है, और ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 6 बूथ है, और 6 बूथ में वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने बूथ में पहला मतदान किया है। सो और ठीक सामने मेरे नंद गोपाल नंदी जो यहाँ से मंत्री हैं और ये विधायक भी हैं, उनका वोट थोड़ी देर में होगा, उनसे भी बातचीत कराएंगे। लेकिन पहले लोग आम लोगों से बातचीत करते हैं। पहला वोट आपने दिया, मतलब पहले मतदान फिर जलपान, जी हाँ, क्या सोच के देती है, दिमाग में कौन सा इश्यू रहता है? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा लगता है। विकास हुआ है क्या? हाँ विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, बहुत विकास। मैंने मंत्री जी के घर के सामने इसलिए तो नहीं कह रहे आप लोग, विकास विकास के मुद्दे पे से वोट दिया है बस। मैंने विकास का क्या पैमाना है, आइए इधर आइए, क्या कह रही आप? सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा उन लोगों की, महिलाओं की है, महिला सुरक्षा बड़ा इश्यूज है आप लोग ये कह रहे हैं। राशन मिल रहा है, फ्री में सब कुछ है, रोड बन रही है, ओवरब्रिज बन रहा है, सड़कें बन रही है, इससे ज्यादा सिलेंडर सस्ता मिल रहा? नहीं, सिलेंडर तो सस्ता नहीं है, वो इश्यू नहीं है, कोई भी सरकार आएगी अगर महंगा मिलेगा तो ले रहे हैं, कोई भी सरकार हो। महिला सुरक्षा और विकास जो इलाहाबाद में कभी नहीं हुआ है। सो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोगों के बात और लोगों के जो विचार आप सुन के समझ सकते हैं क्या स्थिति है। जहां तक पूरे विधानसभा और पूरे जिले की बात करें तो 12 में से 9, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 बीजेपी के पास है, और शहर के 3 सीटें, इसमें 2 हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं, नंदगोपाल नंदी एविएशन मिनिस्टर हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लाल बहादुर शास्त्री के पोते, और तीसरे आप 61 सीटें 693 उम्मीदवार मैदान में है। और अवध और पूर्वांचल की सीट पर आज वोट हो रही है। मसलन अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, चित्रकूट, ये सभी जो इलाके हैं बीजेपी का गढ़ कहे जाते हैं। पिछले चुनाव यानी 2017 में 90% सीटें जीतकर बीजेपी आई थी। मैं अनुज का रुख करता हूं, मेरे सहयोगी अनुज भी मेरे साथ हैं। अनुज किस पोलिंग स्टेशन पर है, वहां के क्या समीकरण है, क्या तस्वीरें हैं, साझा कीजिए। जी देखिए, हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माणिकपुर विधानसभा सीट से वीर सिंह पटेल साहब मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सर, पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, साल 2012 में आपने चुनाव लड़ा चित्रकूट से, आपकी सीट बदल दी गई, माणिकपुर कर गई दी गई, तो क्या लग रहा है अब यहाँ पर, क्या समीकरण आपको लग रहा है? देखिए, हम लोग बराबर 20 दिन से घूम रहे हैं क्षेत्र में, और 20-25 दिन से क्षेत्र में जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है, और आज जनता मन बनाए बैठी है। आज जनता समाजवादी पार्टी वोट करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। सर, जो आपके विपक्षी उनका लगातार आप पर हमलावर है, उनका ये कहना है कि चूंकि वीर सिंह पटेल साहब जो हैं वो दस्यु सरगना जो सम्राट थे ददुआ, उनके बेटे हैं, उनके उनका जो खौफ था वो पूरे इलाके में था, जिसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं उन्हें पसंद नहीं करेगी, ऐसा आपके विपक्षी का कहना है। देखिए, 2012 से 2017 तक मैं विधायक था, हमने सेवा किया है दोनों विधानसभा में, जो जनता आई है, जो लोग थे, हम जनता के बीच में रहे हैं, हम गरीब लोगों के बीच में रहे हैं, हम उन लोगों का काम किए हैं समाजवादी पार्टी ने, जिस तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था, और निश्चित रूप से जनता परिवर्तन के लिए मन बनाए बैठी है, और आज जनता मऊ माणिकपुर और करबी दोनों विधानसभा में परिवर्तन करेगी। ठीक है अनुज, मैं आपका रुख करूंगा, मेरे सहयोगी अनुज चित्रकूट से रिपोर्ट दे रहे हैं, नैना का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अयोध्या में है। नैना, आपके यहाँ किस तरह से वोटिंग चल रही है, क्या तस्वीरें हैं, क्या विश्लेषण है, किस आप पोलिंग स्टेशन पे हैं, बताइए। अमित, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, बाबा यहाँ पर लगातार आते रहे, और खासतौर से रामलला की नगरी है, और रामलला की नगरी में लोगों के अपने मुद्दे हैं। आप ये देखिए कि कहा जाता है कि जब दिन की शुरुआत होती है तो जय श्री राम की उद्घोष के साथ में होती है, लेकिन यहाँ के लोग भी कितने जागरूक हैं। जैसे ही 7 बजे लोगों की पहले से ही कतारें नजर आ रही थी, और मैं इस समय जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देखिए यहाँ पर लगातार अब मतदाताओं की भी लंबी कतार अब लगना शुरू हो चुकी है। माता जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करें, किसे दे रही है ये मत बताइएगा, क्या मुद्दे हैं? अच्छा, नहीं देंगे, ठीक ठीक ठीक। किन मुद्दों पर वोट देंगे? अब वहाँ जाएं तो बताएं, क्या बताएं अभी ऐसे। अच्छा, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं?
अमित, यहाँ की महिलाएं थोड़ी शर्माती हैं ये जरूर कहा जा सकता है, युवा होने के नाते यहाँ पे आप लोग क्या मुद्दे मानते हैं अयोध्या के, जिनको आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं? ये बताएंगे, मुझे लगता है कि महिलाएं, भाई अयोध्या की महिलाएं तो मुखर नहीं, थोड़ा है, थोड़ा संकोच कर रहे हैं, थोड़ा शर्मीली हैं वहां की महिलाएं, यही रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आपको लगता है? बस विकास हो, अयोध्या का विकास हो और राम का भव्य मंदिर बने, ये हम लोग का अभिलाषा है, इसीलिए हम लोग आए हैं वोट डालने। राम मंदिर, राम नाम का ये मुद्दा है क्या यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, राम मुद्दा भी है, पिछले 70 सालों से हम लोग जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वो भाजपा सरकार ने हम लोग को दिया था और उसके बाद काफी ग्रोथ हुई है, तो हम लोगों का जो इस चुनाव का फिर से है ग्रोथ सुशासन, ताकि कोई गुंडागर्दी ना हो, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ ठीक है ना। मैं आपका रुख करता हूँ, आप लोगों से बात करते रहिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुल पांचवां फेज है, 12 जिलों के 100 सीटों पर 693 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। यूपी के चप्पे चप्पे पर उन तमाम इलाकों में हमारे सहयोगी हैं और एक एक सीट का विश्लेषण, रिपोर्ट और तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। इधर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भरोसा जताया कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की गैर जिम्मेदाराना एक रवैया और उन्हें एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति भी बताया, सुनिए। कि हम बात करेंगे, गोंडा में 7 विधानसभाएं और 2017 में सातों की सातों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस वक्त हम आज गोंडा में मौजूद हैं और बात करेंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी से कि किस तरह से वो कौन से दांव और पटकनी अब दोनों पार्टीज की तरफ से, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से करी जा रही हैं। इस वक्त वो कसरत चल रही है, आप जानते हैं कि वो कितनी जरूरी होती है कसरत, वही कसरत, वही गर्मी की बातें हमने इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के दौरान भी देखी है। तो सर, कोई कहता है कि गर्मी बढ़ गई है, कम हो गई है, आपको क्या लग रहा है अवध के क्षेत्र में, गोंडा क्षेत्र में किस तरह से चल रहा है? अभी आपने केवल गोंडा की बात की, 7 सीट की, मुझे तकलीफ होता है जब कोई 7 सीट की बात करता है। ये देवी पाटन मंडल जो है इसमें कुल मिला करके जो है 20 सीटें हैं और फिर आ जाइए आप, अयोध्या है, बस्ती है, इधर लखीमपुर है, ये सब अवध का क्षेत्र है और यहाँ लगभग अब तक मैं 30 सीट पर जो भी कर सकता था किया हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनने वाली है उसमें सबसे बड़ा सहयोग अवध का रहने वाला है। अगर पश्चिम में कोई कुछ कमी है, जैसा लोग कहते हैं कमी तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ कमी भी है तो अवध और पूर्वांचल उसको पूरा कर देगा। तो क्योंकि बहुत से हमने सबका सुना कि कोई हम सेंचुरी पहले ही मार चुके हैं, 3 ही उसमें पूरी हो चुकी है, वो सारी बात होती है, कसरत चल रही है इस वक्त, वो पटकनी देने की बात भी होती है, कोई कहता है हम तो पहले ही सेंचुरी मार चुके हैं, अखिलेश कहते हैं नजर आए। अखिलेश, दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि जैसे जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए वैसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं निकला और ये अखिलेश स्वयं महसूस करेंगे। कभी जो आदमी कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा दे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दे, गंभीरता से चुनाव को भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट उनका नहीं है, बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए और केवल उनको एक भरोसा है कि मैं अपोजिशन में अकेले हूँ, सारी विरोधी पार्टियाँ कमजोर पड़ गई हैं तो होगा, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि मेहनत ग्राउंड पर बिल्कुल जीरो है। बहू को कैसे देख रही हैं? बेटा आ गया, अपना बेटा आ गए हैं तो बहू तो बाद में आए हैं ना, धर्म किया अब बहू है कहाँ से, अर्जुन किया ही आज बहू बन गए, पहले बेटे फिर बहू, और बहू बताएगा क्या। राजकुमारी जी, उम्मीद क्या कर रही हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव टक्कर का है या फिर लग रहा है कि नहीं जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है? कोई टक्कर नहीं, हमारा जनता का पूरा समर्थन है और कमल खिल रहा है, कमल ही खिल रहा है, विधानसभा का बच्चा बोल रहा है। इतने सारे गांव में आप भी डिप्टी सीएम के साथ लगातार प्रचार करने पहुंची हैं, महिलाएं क्या कह रही थी जब आप प्रचार करने वहां पहुंची थी, तो क्या महिलाओं का भी पूरा समर्थन है? महिलाएं करें, मुझे सिर्फ विकास चाहिए। महिलाएं कह रही हैं कि हमको सिर्फ विकास चाहिए, हमका आपका साथ चाहिए, गुंडेगर्दी की सरकार नहीं चाहिए और यहाँ पे बहुत गुंडेगर्दी हो रही थी। अभी भी हम जा रहे थे, सड़क से जा रहे थे, रास्ते सबसे घर घर मिल रहे थे तो सब लोग रो रहे थे, रो रो के महिलाएं बता रही थी, एक महिला हमसे बता रही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बोटी बोटी काटेंगे, सपा वाले बोल रहे थे। तो लग रहा है कि इस बार जो बयार है, जो लहर है वो डिप्टी सीएम की तरफ है, आप
आपके आपके पति केशव प्रसाद मौर्य की तरफ, ऐसा लग रहा है सब लोग हैं झारा हम